एक नेता जिसने बदल दिया अपने राजनीतिक दल का भविष्य, एक नेता जिसने बिखरी हारी और हताश पार्टी में जान डाल दी, एक नेता जिसने उन सबको साधा जो असाध्य से बन गए थे, संजय गांधी के मित्र अर्जुन सिंह के साथी और राहुल गांधी की राजनीति का खेवनहार। ये कहानी है कमलनाथ की, जो प्रदेश के सीएम बनने से पहले वो काम कर गए जिसकी उम्मीद किसके लिए। जब प्रदेश के आम लोग साधारणता सो जाते हैं, तब भी मध्य प्रदेश का आम जन टीवी को टकटकी लगाए देख रहा था, और देखता भी क्यों नहीं। 10:15 तक सीएम के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। 13 साल बाद प्रदेश का मुस्तकबिल एक नए हाथों में जाने वाला था। आपको बता दें, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं कमलनाथ। बड़ी खबर, विधायक दल के नेता कमलनाथ चुन लिए गए हैं। और फिर कांग्रेस नेता एके एंटनी ने वो नाम लिया कमलनाथ। मेरा पूरा विश्वास उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और कोलकाता में पला बढ़ा ये शख्स मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर पद पर कैसे पहुंच गया। आखिर कमलनाथ में ऐसा क्या था जो युवा और सूबे की राजनीति में सबसे बड़े परिवारों में से एक सिंधिया राजघराने के महाराज को एक बाहरी नेता के हाथों मात खानी पड़ी। इस सवाल का जवाब मिलता है देहरादून के दून पब्लिक स्कूल में, जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के छोटे नाती संजय गांधी की पढ़ाई हो रही थी। और यहीं पर संजय की दोस्ती होती है व्यवसायिक परिवार में पैदा हुए कमलनाथ से। ये दोस्ती समय के साथ साथ इतनी गहरी हो जाती है कि जब कमलनाथ पहली दफे चुनावी दंगल में उतरते हैं, तो इंदिरा गांधी खुद प्रचार में पहुंचकर कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताती हैं। और ये चुनावी मैदान कहीं और का नहीं, छिंदवाड़ा का था, जहां से कमलनाथ 1980 से लगातार सांसद बनते रहे हैं। अपवाद के तौर पर 1996 और 1997 का उपचुनाव ही है। देखिए, कमलनाथ जी का जन्म कानपुर में हुआ, जो उस समय देश का उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। और कानपुर में जन्म लेने के बाद इनके परिजन पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बस गए और वहीं से इनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा चालू हुई दून स्कूल में। और दून स्कूल में ये हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में इनके सहपाठी हुआ करते थे इंदिरा जी के छोटे पुत्र संजय गांधी। और वहीं से कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती परवान चढ़ी, जो स्कूल के साथ कॉलेज में भी रही, सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता। और इसके बाद ये
दिल्ली में संजय गांधी के साथ राजनीति में रच बस गए। संजय गांधी की करीबी के चलते कमलनाथ राजनीति में पहला प्रवेश पाते हैं और फिर गांधी परिवार के इतने करीब आ जाते हैं कि कांग्रेस की लगभग हर सरकार में मंत्री का पद संभालते हैं। उन्होंने जिस कोर्ट में पेशी होना थी संजय गांधी की, उस कोर्ट में वो गए और जज के सामने उन्होंने एक कोर्ट के ऊपर एक कागज फेंका, लेकिन चिल्ला छोट करी, लेकिन जज का ध्यान नहीं गया। तो फिर उन्होंने आगे आकर जज से बहस करी कि आपने गलत फैसला दिया है इन्हें जेल में भेजने का, और तो फिर कोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए उनके ऊपर अर्थदंड करा, जो नहीं भरने पर उन्हें 7 दिन के लिए जेल भेजा गया। इस तरह वो नियोजित तरीके से अपने सखा से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे, जहां वो 7-8 दिन रहे, और इस तरह वो लगातार जेल में जाते रहे। कई सारी यात्रा उन्होंने जेल की अपने सहपाठी के लिए करी, तो इस तरह का एक करीबी रिश्ता उनका रहा। और बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार गई, उसके बाद से परिपक्व राजनीतिक के रूप में कमलनाथ उभरे, और चौधरी चरण सिंह जी की जब सरकार बनी, उस समय देश के जो प्रमुख विपक्षी नेता थे उनसे तालमेल करने का जिम्मा कमलनाथ जी को दिया गया, और कम उम्र में उन्होंने इस काम को बेहद सटीक तरीके से करा। संजय गांधी के आकस्मिक निधन के बाद कमलनाथ कुछ समय के लिए कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर चले जाते हैं। पहले इंदिरा और फिर राजीव गांधी की सरकार में कमलनाथ को कोई पद नहीं मिल पाता, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार बनती है तो कमलनाथ पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बना पाते हैं। लेकिन हवाला कांड में नाम आने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और फिर 2004 में यूपीए 1 में सरकार में ताकतवर मंत्री बनकर राजनीति में वापसी करते हैं। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में उनके दुश्मन कम दोस्त ज्यादा हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने वापसी के लिए कमलनाथ की ओर ही देखा। एक समन्वयक की भूमिका में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी, जो मैं समझता हूं कि अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में, दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में, वो देश के कई स्थापित नेताओं की मदद करने में वो इस भूमिका का निर्वाह करते रहे। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा भी कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाने में कमलनाथ जी का बड़ा अहम रोल रहा है और मैं जीवन भर उसके लिए उनका ऋणी रहूंगा। तो ये एक उनकी कार्यशैली थी, सकारात्मक, लोगों की मदद करना और खुद को पीछे रख के। उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े पद नहीं लिए, सांसद रहे, इस नाते वो 3-4 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, कपड़ा मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, और जिस भी डिपार्टमेंट में रहे उसमें वो एकदम सर्वोच्च पर है। उनका एक विजन है, देश के कुछ चंद चुनिंदा राजनीतिज्ञों में वो शुमार है जो अपना एक विजन रखते हैं। लेकिन कमलनाथ सूबे में कांग्रेस की कमान संभालने से पहले छिंदवाड़ा में अपने विकास कार्यों के लिए खूब सुर्खियां बटोर चुके थे। छिंदवाड़ा जो आदिवासी इलाका होने के साथ ही विकास के मामले में राज्य के अन्य इलाकों से पिछड़ा हुआ था, उसको कमलनाथ ने विकास के साथ साथ अपने नाम का पर्याय बना दिया। कि एक चीज साफ है कि उन्हें जो काम सौंपा जाता है वो उसके इर्द गिर्द नहीं देखते हैं। वे जब जब केंद्रीय मंत्रालय उनके पास रहे, नरसिंह राव सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में या इन सरकारों में, तो उन्होंने उसके इधर उधर कहीं नहीं देखा। अपने लक्ष्य के प्रति वो हमेशा संकल्पित रहे, और विशेषकर जब उन्हें मध्य प्रदेश में इंदिरा जी ने भेजा तो उन्होंने पूरा फोकस अपना अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पर रखा और उसको उन्होंने एक ऊंचाई दी। मध्य प्रदेश में उनके सहयोग से कई मुख्यमंत्री बने, या कई बार ऐसे अवसर आए कि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे अपने को दूर रखा हमेशा। तो उनका एक अलग तरह की वर्किंग है।
वो जो है मनमोहन सिंह जी उसमें मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे, उनने उस टाइम भी मध्यप्रदेश के लिए बहुत काम किए, नगरीय विकास मंत्री रहे तो उन्होंने काफी काम किए और उनसे विपक्षी लोग भी संतुष्ट थे। उनके आपके वर्तमान निवर्तमान जो निवट गए आपके मुख्यमंत्री, उनसे भी बड़े अच्छे व्यक्ति के संबंध है और सभी को साथ लेके चलने वाले आदमी। लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ को टिकट मिलने की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1977 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता गार्गी शंकर मिश्र जनता पार्टी की लहर के बावजूद अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। 1980 का चुनाव आते आते छिंदवाड़ा में गार्गी शंकर मिश्र का विरोध शुरू हो गया और बात इंदिरा गांधी तक पहुंची। इंदिरा गांधी ने गार्गी शंकर मिश्र का समर्थन किया और कहा कि गार्गी शंकर मिश्र ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन छिंदवाड़ा कांग्रेस किसी भी हालत में गार्गी शंकर मिश्र को समर्थन नहीं दे रही थी। मौके की नजाकत को देखते हुए अर्जुन सिंह संजय गांधी के पास पहुंच गए और फिर संजय ने कमलनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा अब कमलनाथ का होगा। जब कमलनाथ को कांग्रेस की सबसे सेफ सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया, तब कमलनाथ को यह भी नहीं मालूम था कि छिंदवाड़ा सूबे के नक्शे में कहां पर है। लेकिन जिस जगह से कमलनाथ इतना अनजान थे, वहां जब वे पहली बार पहुंचे और इंदिरा गांधी की लहर में जीते, तब से लेकर 2018 तक लगातार जीतते रहे। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जीत के लिए किसी ऐसे करिश्माई नेता की जरूरत थी जो सबके साथ सामंजस्य बैठाकर चल सके, जो अपराजेय बन चुके शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ऐसा मॉडल रख सके जिसको जनता का विश्वास हासिल हो, और कमलनाथ के पास ये सब कुछ था। कमलनाथ हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इस भक्ति के पीछे की कहानी भी महत्वपूर्ण है। लगभग 20 साल पहले चुनाव प्रचार करके नागपुर से छिंदवाड़ा लौट रहे कमलनाथ के साथ एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोचा था कि छिंदवाड़ा जिले में एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा। बहुत पुरानी बात है, सनासी की बात है। यहाँ सड़क जो सामने है, एक हादसा, बड़ा हादसा होने वाला था, उससे हम बचे। पर ये मेरी भावनाएं थी, मैंने इसका कोई प्रचार, हम धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते। ये मंदिर बना, इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, किसी को बताया नहीं। देखिए, ये तो बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है। कमलनाथ जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। उन्होंने सबसे पहले अपने गांव शिकारपुर में एक हनुमान जी का मंदिर, इतना भव्य तो नहीं है जितना सिमरिया में है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। सौभाग्यवश मुझे, मैंने ही अपने दिशा निर्देश में उस मंदिर को पूर्ण करवाया, और उसके बाद जो सिमरिया ट्रस्ट, इनके परिवार का ट्रस्ट है, और उसी के अंतर्गत सिमरिया, जैसा कि आपने देखा होगा, उस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। मुझे इस चीज का सौभाग्य है कि मैं पूरा उस मंदिर के शुरू से लेकर आखिर तक उस मंदिर में जो भी निर्माण कार्य, विकास कार्य हुए, उसका मैं साक्षात गवाह रहा। छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ का पर्याय जरूर बन गया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग नेपथ्य की राजनीति में जाती गई। 2003 में जब दिग्विजय को हार मिली, उसके बाद लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटती चली गई। दिग्विजय सिंह को सामने आने से जो जनता बिखर जाती थी, या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जो भयानक प्रचार करती थी कि मिस्टर बंटाडार वापस आ गए, सड़कें गायब हो जाएंगी, बिजली गायब हो जाएंगी, ये वो, तो उसको सोच समझ के कमलनाथ ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि हमको मालूम है कि 10 साल का जो उनका कार्यकाल था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, दिग्विजय सिंह का, मतलब जो आखिरी कांग्रेस का कार्यकाल था 1993 से,
2003 तक का, तो बोले उसके लिए हमको काफी जिसको कहते हैं दंडित किया जा चुका है कांग्रेस पार्टी को, ऐसा कमलनाथ ने कहा था। तो बोले अब हमको उसके आगे देखना है और हमको हमारे भविष्य को सुधारने के हिसाब से हम हर जगह पर 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और हर जगह पर पीसीसी में और बाकी सब जगह हम इतनी ताकत लगाएंगे जिससे सरकार बन जाए। कांग्रेस ने कई दिग्गजों को कमान दी लेकिन कोई भी नेता कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं करवा पाया और फिर 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने सबसे पुराने योद्धा को याद किया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से महज 8 महीने पहले कमलनाथ को सूबे में कांग्रेस की कमान सौंपी गई। कमलनाथ के सामने सबसे बड़ी समस्या थी गुटों में बटी कांग्रेस को एक कर बीजेपी को टक्कर देना, क्योंकि कांग्रेस दिग्विजय, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं के नेतृत्व में गुटों में बटी थी, जिसके कारण कांग्रेस लगातार हारती जा रही थी। एक ओर कांग्रेस को संभालना तो दूसरी ओर प्रदेश में 13 साल से सीएम के पद पर आसीन शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए नेतृत्व खड़ा करना, ये कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती यानी शिवराज के आम जनता वाली छवि को तोड़ने के लिए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा मॉडल को हथियार बनाया। लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल में ऐसा क्या था जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौती बनने वाला था? छिंदवाड़ा के पास विकास का अपना मुकम्मल मॉडल है। छिंदवाड़ा एक आदिवासी इलाका माना जाता है, ये कभी देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार होता था, जहां के लोगों के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या था। कमलनाथ ने यहां के लोगों को रोजगार दिया, छिंदवाड़ा को ऐसा संसदीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जिसकी पहचान उद्योग नगरी के रूप में बन गई। आदिवासियों के उत्थान के लिए कई काम किए गए। अब छिंदवाड़ा से होकर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा है। इन सब का श्रेय कमलनाथ को दिया गया। जिस वक्त कमलनाथ को एमपी की कमान सौंपी गई थी, उस वक्त सूबे में संगठन न सिर्फ आईसीयू में था बल्कि इतने गुट थे कि उससे निपटना एक बड़ी चुनौती थी। गुटबाजी भी छोटे नेताओं में नहीं बल्कि राष्ट्रीय कद के नेताओं में थी, जिसके आगे एक ऐसे कद के नेता की जरूरत थी जिसकी न सिर्फ लोग बात माने बल्कि अनुशासन में भी रहे। इन सभी बातों में फिट बैठने वाला एक ही शख्स था और वो थे कमलनाथ। कमलनाथ का जो जिसको कहते कद है उसके चलते उन्होंने दिग्विजय सिंह को साधा, उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय जो इनका आला कमान है उनसे बात करी, केंद्र में जो बाकी लीडर्स है उनसे उनके जो अच्छे तालुका थे उसके चलते उन्होंने सिंधिया जी को साथ में रखा, पचौरी को साथ में रखा, अजय सिंह उनके जूनियर है क्योंकि कमलनाथ भले अर्जुन सिंह से नीचे हो लेकिन अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, मोतीलाल वोरा, ये सब लोगों ने एक साथ, श्यामाचंद शुक्ला, इन सब लोगों ने एक साथ राजनीति किसी न किसी समय पर की थी, इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा था। तो उसके चलते उन्होंने ये कोशिश की कि खुद को प्रदेश अध्यक्ष जब पार्टी ने बना दिया उनको, तो उन्होंने ज्योतिरादित्य से वो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते काफी फ्रीडम दिया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस बार कम से कम झगड़े हुए कांग्रेस में। कमलनाथ को जिस काम के लिए चुना गया था उस काम को करने के लिए कमलनाथ के पास महज 8 महीने का वक्त था। और कमलनाथ जिन्होंने अपने मित्र संजय को 1977 में हार के बाद कांग्रेस को 1980 में फिर से जिताते हुए देखा था, उस जज्बे को फिर से प्रयोग करते हुए कांग्रेस को 2018 में सफलता दिलवा दी। ये वो सफलता थी जिसकी उम्मीद खुद कांग्रेस के नेता कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनते वक्त भी नहीं रही थी। लेकिन कमलनाथ को भरोसा था कि जिस जगह के होने की जानकारी कमलनाथ को नहीं थी उस जगह को उन्होंने अपना गढ़ बनाया था, वो छिंदवाड़ा था, ये मध्य प्रदेश। बस फर्क इतना था, 230 सदस्यों वाली राज्य के विधानसभा में कांग्रेस ने 114 सीटों पर कब्जा जमा लिया और अब बारी थी एक और जंग की।
जिसने जीत दिलाई सीएम पद भी उसका। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे हटने को तैयार नहीं थे और पेंच यही फंस गया क्योंकि तय सीएम करना था और प्रदेश के जो नेता जीतने तक शांत बैठे थे वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए थे। चुनाव के नतीजे आते ही दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई। पहले खानापूर्ति के लिए विधायकों की बैठक 12 दिसंबर को भोपाल में की गई और फिर पूरा मामला आला कमान के भरोसे छोड़ दिया गया। कमलनाथ, सिंधिया, दीपक बावरिया, एके एंट्री समेत तमाम नेता दिल्ली में राहुल गांधी के दरबार में हाजिरी लगाने लगे और फिर शहमात का खेल शुरू हो गया। रात के 11 बजे भोपाल में जब मध्य प्रदेश के नए कर्ण विधाता का नाम तय हुआ तो सिंधिया के चेहरे पर हार का भाव दिखा तो विजेता कमलनाथ एक मंद मुस्कान के साथ संयमित दिख रहे थे। इन सब के बीच 13 दिसंबर कमलनाथ की राजनीतिक जिंदगी में कई महत्वपूर्ण जवाबदेही लेकर आई। जब पहली बार कमलनाथ को संजय गांधी ने छिंदवाड़ा से राजनीति में उतारा गया तो दिन था 13 दिसंबर और जब राहुल गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का सीएम की कमान सौंपी वो दिन था 13 दिसंबर। जी न्यूज स्टेट। चलो चलो।